अरे सुनो सुनो, आप लोगों को पता चला कि पोपटलाल भाई आ रहे हैं? अरे हाँ पता है। ए, पोपटलाल भाई की शादी वादी हुई कि नहीं? एक्चुअली अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। हाँ? लेकिन कब होगी? मैं तो कहती हूँ अब उनको शादी कर लेनी चाहिए। सच्ची? हाँ, पर उस पोपट भाई का अक्रूर स्वभाव देख के ना कोई लड़की उनको शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी। अरे बबीता, लड़की नहीं औरत बोलो, औरत। वो भी बात है। नहीं नहीं, वैसे बबीता जी आप कुछ भी कहो, लेकिन उनका स्वभाव इतना अकड़ू नहीं है। अरे हाँ, खरतर मेरे साथ भी अच्छे से पेश आते हैं वो। हाँ तो? अरे उनकी शादी क्यों नहीं होती है बताओ? एक बार वो लड़की देखने गए, सीधा लड़की को जाके पूछते, क्यों लड़की तुम्हारा कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? अरे लड़की क्या जवाब देगी? अब मेरा बस चले ना तो मैं खुद पोपट भाई के लिए एक लड़की ढूंढ कर लाऊं। क्या है बबीता जी, उनकी शादी हो जाएगी तो आपको पड़ोस में एक फ्रेंड मिल जाएगी ना? ओ प्लीज, वो मेरे विंग में रहते ना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। क्यों? क्यों क्या, वो पोपट भाई कितने बार मेरे घर को अपना घर समझ के बेल मारते और गलती होने पर सॉरी भी नहीं बोलते। और कभी कभी जब घर पे आते थे, मुझे और अय्यर को इतना पकाते थे कि बस पूछो मत। नहीं नहीं बबीता जी, आप कहते हैं उतना वो पकाते नहीं है। ओ प्लीज, वो कब आने वाले हैं? अरे वो आएंगे तब हमें पता चल ही जाएगा कि वो आ गए, है ना? तो है। अरे महिला मंडल का आज का एजेंडा क्या है? हाँ, क्या कर रहे हैं आप लोग? महिला मंडल आपके खिलाफ मोर्चा तैयार कर रही है। हाँ। और हाँ, आज हम लोगों ने ऐसा फैसला किया है ना जिसे सुनते ही आप लोगों के पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी। क्या पर क्या? हाँ, अब तो आप लोग काम से गए। हाँ। माधवी, काय चाललंय सगळं? अरे आप लोग तो कितना डर गए। अब अरे स्त्री शक्ति से सबको डरना पड़ता है, हम नहीं डरेंगे तो कौन डरेगा? तो भाई आप लोग भी कमाल के। अच्छा हाँ दया भाभी, ये जेठालाल अचानक सूरत क्यों चला गया? देखो ना, दुकान पर से फोन किया और सीधा बारो बार ही निकल गया, कल तक तो आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, इसीलिए सोसाइटी में इतनी शांति है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं भीड़े भाई? नहीं, मतलब ये कि जेठालाल नहीं है तो सोसाइटी में शांति है, कोई हंगामा नहीं है। भीड़े भाई, शांति तो किस्मत की बात है, कोई नहीं बोल सकता शांति कब जाएगी और अशांति कब कहां किस रूप में आएगी। वारे वारे देविन, ये कौन से सीरियल का डायलॉग है? अरे वो नई सीरियल है ना, मैं तुलसी तेरे आंगन की, हिम्मत हो तो पानी डाल के दिखा, उसका ये डायलॉग है। माफ करना दया भाभी, मैं गलत था, जेठालाल जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ा है वैसे। चला माधवी, घर ही चला, चलो। हाँ ओके ओके, चलो सुनो। अरे टपूड़ा, समाचार देखने देना बेटा। दादाजी पाँच मिनट। टपू बेटा, कहाँ हो तुम? चलो बेटा दूध पी लो। दूध? कहाँ हो टपू? ए टपू, चलो बेटा। तो अरे बापूजी, टपू कहाँ है? पता नहीं बहू, अभी तो यहीं पर था। अच्छा, यहाँ पर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। ये दूध अपना किचन में रख देती हूँ, फिर बाद में पिला दूंगी। मैं जा रही हूँ बापूजी। ठीक है। हाँ? ए, पकड़ लिया। दादाजी क्यों बताया आपने? टप टप टप, चलो बेटा दूध पी लो ना।
नहीं मम्मी, मुझे दूध का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। बहू रहने दे, टप्पू अब बड़ा हो गया है, वो अपनी मनमानी ही करेगा, हमारी बात थोड़ी सुनेगा। क्या दादाजी आप भी लाओ। अरे वाह बस दादाजी, शाबाश टपूड़ा। अच्छा बेटा अब सो जाओ, और देखो आज मेरे साथ ही सोना, तुम्हारे पापा नहीं है ना तो मुझे डर लग रहा है। ओके मम्मी, गुड नाइट दादाजी। गुड नाइट। जय जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र बाबू। दिमाग की लस्सी कर दिया इसने, भोपाल से लेकर यहाँ तक चपर 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 कितना बोलता है, कितना झगड़ता है। अरे कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब मैंने इसका भाड़ा उठाया, और ऐसा नमूना मैंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। हमारा चैन हमारी नींद उड़ा के और खुद आराम से सो रहा है। ओए कल्लू चल जा उठा उसे। इसकी तो ए पोपट उठ, ए पोपटलाल उठना, गोकुलधाम सोसाइटी आ गई है। ए पोपट उठ। उस्ताद ये पोपटलाल खराटे मार रहा है, नींद में से उठ ही नहीं रहा। नहीं उठ रहा है, अभी मजा चखाता हूँ इसे। तुझे मजा। पापा जी खुशखबर, पोपटलाल उठ गया। कैसे ब्रेक मारता है, कैसे ब्रेक मारता है, गाड़ी चलाने भी नहीं आती। अरे लाइसेंस किसने दिया तुझे, अभी मुझे लग जाता तो। अरे लगा तो नहीं ना। लगता तो। अरे लगता तो अच्छा होता, तेरा मुंह तो बंद हो जाता। भोपाल से यहाँ तक चपर 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 चपर, और बचपन से लेके आज तक मेरे पिताजी ने मुझे इतना नहीं डांटा और ना ही इतनी सलाह दी जितना तूने मुझे एक दिन में डांटा। मेरी सोसाइटी में आके मुझी से जबान लड़ाते हो। और तेरे से जबान भी नहीं लड़ानी, तेरे से पंजा भी नहीं लड़ाना। मुझे अपने 15,000 दे दे, मैं जाऊं। क्या 15,000? 7,000 रुपया भाड़ा तय हुआ था भोपाल से यहाँ आने तक का, एक रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा 7,000 से। 15,000? अरे रास्ते में लेफ्ट लो राइट लो लेफ्ट लो राइट लो ऐसे करते करते 200 किलोमीटर तूने ज्यादा घुमा दिया, तो डबल भाड़ा हो गया कि नहीं? अच्छा हाँ, ऊपर से पुलिस वाले के साथ तोड़ पानी हुआ वो अलग। 15,000 ही लूंगा पूरे। 15,000? अभी मजा चखाता हूँ, सोसाइटी के सब लोगों को नीचे उतारता हूँ और फिर ऐसे पिटवाऊंगा ना कि नानी याद आ जाएगी इसको। ए जेठालाल, ओ भीड़े, ओ सोड़ी, सब लोग नीचे आओ। अरे सो क्या रहे हो, घोड़े बेच के नीचे आओ। जेठालाल, ए जेठालाल, ले। अरे ओए सब लोग नीचे आओ ना। किसी ने टप्पू के पापा को बुलाया, इतनी रात को थोड़ी ना कोई होगा। मैं भी। अरे ओए सब लोग नीचे आओ ना। हाँ हाँ, जोर से बोल जरा। और जोर से। बोलना। उस्ताद जी भाग रहे हैं। कैसी डॉन करेगा क्या? छोड़ मैं बुलाता हूँ। अरे भाई सुनो, वो कौन है नहीं रात नू हार्न मार रहे? मम्मी। हाँ 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 बेटा। मम्मी क्या क्या हुआ, किसकी आवाज है? पता नहीं लेकिन कोई प्रॉब्लम जरूर है।
चलो बेटा हम देखते हैं, आओ जल्दी चलो चलो। ओ मैं कह जी एक जमदूत किसका है जी, आगे से ले जाओ, हमें तो तंग कर दिया इसने रस्ते में। कौन आवाज कर रहा है इतना? अरे सोड़ी भाई, आपके रिश्तेदार लगते हैं। ओ दया पापी जी, हर सरदार जी मेरा रिश्तेदार नहीं होता। हाँ पर है मेरा सरदार प्रा। ओ दसरीकाल जी। ओ दसरीकाल जी। अरे कौन है, कौन वहाँ पे? मैं हूँ पोपटलाल। अरे पोपटलाल तू? अरे माय गॉड, आ गया पोपटलाल वापस। तू कैसे पता? अरे क्या कैसे हो, जैसा था वैसे ही हूँ। पोपटलाल कभी बदल सकता है? अरे लेकिन तेरे बाल इतने कम कैसे हो गए? अरे वो अंधेरे इससे दिख नहीं रहे चश्मिश। चश्मिश मत बोल मुझे। अरे माधवी भाभी नमस्ते। नमस्ते, कैसी है आप? हाँ अच्छी हूँ। सोनू बिटिया भी बहुत बड़ी हो गई है। सोड़ी ओपरा। ओए पापा जी। सत्री अकाल, कैसे हो? ओए पोपट चंगा एकदम पार्टी शाटी। रोशन भाभी सत श्री अकाल। नमस्ते कुकी, पोपट अंकल नमस्ते करो। अरे दया भाभी जय जिनेंद्र, कैसी हैं आप? अच्छी हो। आपके थेपले में रोज याद करता था भोपाल में। हा? अरे कल सुबह आता हूँ थेपला खाने। हाँ हाँ जरूर पधारिए। अरे जेठालाल कहाँ है? वो तो सूरत गए हैं। मेहता सबने बताया नहीं कि मैं आने वाला हूँ? ओए पोपटलाल, पहचान बाद में बनाना, पहले हमारा भाड़ा दे 15,000 रुपया। पोपटलाल ये कौन है और इस वक्त क्यों चिल्ला रहा है? हाँ। अरे आप लोग सब लोग ऊपर बालकनी में क्या खड़े हो, नीचे आओ ना जल्दी, मैं सब बताता हूँ। आते ही कटकट शुरू हो गई। आ रहे हैं। सब लोग नीचे आ रहे हैं, अभी पता चलेगा। अरे पूरे मोहल्ले को बुला ले, मैं डरने वाला नहीं हूँ किसी से। मेरा भाड़ा दे दे 15,000 रुपए। ये भाई, ये पोपट तू है कौन? अरे मैं तो इसी सोसाइटी में रहता हूँ। आप कौन है? अरे पोपट भाई मेरे ससुर है। क्या? ससुर है। अच्छा नमस्ते। नमस्ते चाचा जी, नमस्ते। पाई लागू। अरे इतनी रात को हंगामा क्यों कर रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको, ये पापा जी है ना, भोपाल से मुझे तंग कर रहे हैं। मुझसे जो भाड़ा तय किया था उससे डबल भाड़ा मांग रहे हैं, वो भी पत्रकार पोपटलाल से। ये लेखक महाशय क्यों नहीं दिख रहे? अरे ओ मेहता साहब। ओ लेखक महोदय, क्या सो रहे अंदर, बाहर निकलिए जल्दी। मेहता साहब। अरे यार इतनी रात गए, कौन है भाई? लेखक पोपटलाल, जिस ढंग से दरवाजा खटखटाया मुझे तभी समझ लेना चाहिए था कि पत्थर मार। नहीं नहीं, पत्रकार पोपटलाल आ गया है। पोपटलाल वेलकम। थैंक यू। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते पोपटलाल भाई, आ गए आप एकदम पूरे का पूरा। सही समय चुना है। थैंक यू। अरे थैंक यू बाद में, पहले ये बताओ कि ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि इतने जोर से दरवाजा खटखटा रहे थे? मैं अभी बताता हूँ, ये सरदार जी जो है ना, भोपाल से यहाँ मुझे लाने के डबल पैसे मांग रहे हैं, जितना तय किया था उससे डबल, वो भी पत्रकार पोपटलाल से। वो तो छोड़ो, मुझे मारने की भी बात कर रहा है। कौन है? ये जानता नहीं है पत्रकार पोपटलाल क्या चीज है? दुनिया हिला दूंगा मैं आराम से। ओए क्या बोला रे तू? क्या बोला? 38.5 किलो के प्राणी, मैं ये हिला दूंगा, मैं दुनिया हिला दूंगा। ओए मेरे ट्रक की स्टपनी हिला के बता, फिर बताता हूँ तुझे मैं। पहली बात तो मैं 56 किलो का हूँ, और मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। क्या तमाशा लगा रखे रात को अभी? बापूजी, लगता है सोसाइटी में मारा मरी होकर रहेगी। नहीं नहीं, इतनी रात को सोसाइटी में क्या हंगामा मचा रखा है? क्या होता है अभी? टप्पू, कौन
चली। अरे एक मिनट पोपटलाल, एक मिनट बता दो सही, बात क्या है बता दो सही। अरे ये सरदार जी मुझे मारने की बात कर रहे हैं। मार खा लेना और बात को यही खत्म कर यार। है? क्या वो हमारे पूजनीय महात्मा गांधी बापू जी ने क्या कहा है? अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, इससे इंसान का दिमाग शांत हो जाता है, समझता नहीं है यार। ओ, मैं कहता हूँ ना, मैं इसको अगर उल्टा भी टांग दूँ ना तो भी मेरा दिमाग शांत नहीं होने वाला। ओए आदमी है कोई? ओए तो बक बक करने की जीती जागती मशीन है मशीन। क्या अरे आई एक मिनट, अरे कड़क लक्ष्मी थाम ना बाबा। ए सोड़ी भाई, वो सरदार जी को शांत करा यार। ओ सत श्री अकाल प्रा। सत श्री अकाल जी। ओ मैं रोशन सिंह सोड़ी, अपना की नाम है? सतवान सिंह देओल जी। ओ सतवान सिंह, पिंड केड़ा? ओ जी मेरा गांव जी बद्दोवाल। बद्दोवाल? हां ले, मैं 3 किलोमीटर दूर सानेवाल। तो फिर तू छोटा भाई हुआ ना हमारा। तो सोड़ी, ओ सोड़ी, तू क्या इस बदतमीज से बात कर रहा है? ए मेरे प्रागो बदतमीज मत बोलना तू, तेरी तो नहीं नहीं। अरे ओ सोड़ी यार, तू भूल गया है कि पोपटलाल अपनी सोसाइटी का, तुझे इसको बचाना है। हाँ ओ बदतमीज तू है, ओ मेरा बड़ा खाना चाहता। अगर तूने एक बार और भाड़े की बात की ना तो मैं छोड़ 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 मुझे तो मैं आराम से आराम। चाचा जी। ओ सोडी तू संभाल अपने सरदार प्रा को, पकड़ के रखो और तू भगवान के लिए चुप हो जा। अरे आप लोग सब मिलके मुझे क्यों शांत कर रहे हैं? मिलके इसको मारो ना। और मुझे मारने की बात कर रहा है? ओए अब मेरे हाथ से तुझे कोई बचा नहीं सकता। गलते सुनी यार सतवंते। एक मिनट सोड़ी, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा और दुनिया हिला दूंगा। दोनों ही समझने को तैयार नहीं है, असल में सफर की थकान के मारे दोनों का दिमाग ठिकाने पे नहीं है। हाँ और मैं कह जी, इसका दिमाग तो पहले से ही ठिकाने पे नहीं है जी, जब से भोपाल से चले हैं। जब स्लो चलता तो बोले तेज चल, जब तेज चलता तो बोलते स्लो चल। अरे तुझे ना ड्राइविंग करनी नहीं आती, तू अगर मेरा ड्राइवर होता ना तो तुझे पहले दिन नौकरी से निकाल देता। हाँ ओए पिछले जन्म के बाद फूटे होंगे जब तेरा ड्राइवर होगा। और पता है साहब इसने टोल टैक्स नाके पे क्या किया? सत श्री अकाल पापा जी। ओ सत श्री अकाल भाई, एरा संजे पैसे दे। हाँ। क्या करता है? अरे पापा जी छुट्टा नहीं है। छुट्टा नहीं है तो टोल नहीं देने का है? एक तो फुकट का पैसा लेते हो और ऊपर से छुट्टा भी नहीं रखते हो। ए भाई आप कौन हो? मैं पत्रकार पोपटलाल हूँ। अरे आप ऐसा बीच में क्यों बोल रहे हो यार? एक मिनट मैं बोलूंगा। आप लोग टोल का इतना पैसा लेते हो तो आपको छुट्टा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए अपने पास? अरे वो तो छोड़ो, जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनके लिए गर्मी में ठंडा पानी भी रखना चाहिए। अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास? तुम लोगों के खिलाफ अखबार में आर्टिकल लिखूंगा, दुनिया को हिला के रख दूं, हिला के रख दूंगा। ठीक है ठीक है, तुमको जो लिखने का है लिखो, पहले 500 का छुट्टा लेकर आओ तब जाके टेम्पो यहाँ से जाने दूंगा। यार तू क्यों पुराने रिकॉर्ड की तरह बक 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 करता, चुप क्यों नहीं रहता है? तो मैं गलत क्या बोल रहा हूँ पापा जी? आप बताओ मुझे मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि टोल किस लिए लिया जाता है? ताकि रास्ते अच्छे हो, है कि नहीं? लेकिन तुम लोग रास्तों को अच्छा करते हो, पूरे रास्ते में खड्डे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ऊंट पे बैठ के आ रहा हूँ, पूरी पीठ में दर्द हो गया, पाम भी नहीं देते हो तुम लोग। अरे मैं तो कहता हूँ तुम लोग गली गली में टोल नाका शुरू कर दो, तुम लोग हमारी सोसाइटी में भी टोल नाका शुरू कर दो। ओ मैं क्या जी, चुप कर जा अभी, मुझे सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। ओ मैं क्या यार, पैसे बाद में लूंगा मैं, निकलते हैं दूसरे चक्कर में आता हूँ। शर्मा जी फटा खोल दो, जाने दो। तो मैंने क्या गलत बोला? आप लोग सब बताइए, जो आदमी टोल नाके पे खड़ा रहता है उसके पास छुट्टा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए? होना चाहिए, बराबर है। हाँ होना चाहिए, लेकिन तुझे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। और मैं क्या जी, ये नाम का पोपट नहीं है, जरूर तीखी मिर्ची खाता होगा। और रास्ते में ना ट्रैफिक हवलदार से लड़ पड़ा जी। ओ सरदार जी ये पत्रकार पोपट लाल है, ये हवलदार से क्या, ये तो कमिश्नर से भी लड़ सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि हुआ क्या? रास्ते में हमें हवलदार मिला
कोने पे। ड्राइवर कहाँ है? साहब साहब जरा नमस्ते साहब जी। गाड़ी में क्या है? मैं कहा बाबूजी घर का सामान है जी, ये बाबूजी बैठे हैं जी, इनका सामान है जी, चेक करना पड़ेगा। हाँ जी साहब जी करिए बड़े शौक से जी। क्या 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 प्रॉब्लम है? घर के सामान में क्या चेक करना है आप लोगों को? देखिए ये मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी के नाम पे कुछ भी करते हो, जो चेक करना होता है वो तो कभी नहीं करते हो। हमारे देश में इतना माल सामान हेर फेर होता है, आज तक क्या क्या चेक किया बोलो? क्या क्या पकड़ा तुम लोगों ने? अरे चुप। क्यों चुप रहो? मैं कब बोला ये बोले? अरे चुप यार, मरवाओगे क्या? मैं क्यों मरवाऊंगा? अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तुम क्या बहुत बड़े फिल्म स्टार हो? ये हूँ मैं, ये देखो। क्या है ये? पढ़ो। मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। हाँ तो मैं बताता हूँ, पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस, जर्नलिस्ट हूँ मैं, जर्नलिस्ट। तो क्या हुआ, कानून सबके लिए एक सर का होता है। मैं तुम लोगों के बारे में ऐसा लिखूंगा ना कि तुम कानून की सारी किताबें भूल जाओगे। हाँ अच्छा, तो वहाँ बैठ करके लिखो, अब ये गाड़ी चेक हो करके रहेगी। दो घंटे तक इनके घर के सामान की तलाशी रहते रहे, बाद में मुझे बोलते जी टेम्पू के पेपर बताओ। पेपरों में मेरी पीयूसी थी नहीं, 650 रुपए का दंड मार दिया जी उन्होंने मुझे। अरे तो तू होशियार बन के फाइन लेने क्यों आगे चला गया था? मैंने मना किया था ना, मैं पोपटलाल पत्रकार हूँ और पत्रकारों से बदतमीजी करते हुए पुलिस बहुत डरती है। हाँ पोपटलाल, तुम जैसा सोचते हो जिंदगी वैसी नहीं होती दोस्त। अरे आप पत्रकार है, इसका मतलब ये है कि कानून आपके लिए अलग है, पुलिस आपसे अलग व्यवहार क्यों करेगी? जिंदगी में कभी कभी प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है पोपटलाल, क्या तुम छोटी छोटी बातों पर लड़ते हो? मैं क्या बाबूजी, मैं तो आंख में पट्टी बांध के गाड़ी चला सकता हूँ, पर इनके साथ में बैठ के गाड़ी चलाने का रिस्क मैं नहीं ले सकता जी। सुना? और आपको पता है बाबूजी, ये ड्राइविंग करते समय क्या करते हैं? क्या? और रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। गाड़ी चलाते चलाते गाना नहीं गाना चाहिए पापा जी। और मेरे बाप, तू हमारे ट्रक में कहां से आ गया? क्या कर रहे हो, फास्ट फास्ट चलो, मैं बॉम्बे कब पहुंचूंगा? दो दिन के बाद। पापा जी राइट राइट लो, राइट लो, राइट लो, राइट राइट लो, राइट। ओए बॉम्बे लेफ्ट में। मैंने बोला ना राइट लो आप। ओ बॉम्बे लेफ्ट में। अरे मुंबई मैं रहता हूँ, क्या आप रहते हो? मुझे मालूम है, मेरा वाला मुंबई राइट में, राइट लो। पापा जी एक काम करो, आप राइट ले लो। राइट ले लो। हाँ अभी बराबर है, अभी सीधा चलो, सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट चलो। ये ले आ गया तेरा बॉम्बे। बॉम्बे नहीं है तो खाई है। तो डाल दूंगा इसमें। सीधा चलो, टेढ़ा चलो, 200 किलोमीटर तो दूर ले आया मुझे उल्टी साइड। तो अभी 200 ही किलोमीटर हुआ है ना, 300 किलोमीटर तो नहीं हुआ है ना, घुमा लो गाड़ी, यू टर्न ले लो। और तुम आदमी है कि गन चक्कर? अरे तुम दोनों के चक्कर में मेरी छोटी सी जान चली जाएगी। पापा जी पता नहीं कौन से मुहूर्त पे एक ग्राहक मिला था, अरे उस्ताद तो इससे परेशान होकर टेम्पो छोड़कर भाग रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको समझाया तब जाकर माने। चल यार। अभी सामान खाली करो, टेम्पो वाले को जाने दे, हम सबको सोना है। ओ बाबूजी वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरी गाड़ी खाली करो और मुझे भाड़ा दो, मुझे जाने दो। जो तय हुआ है वो 7,000 रुपया भाड़ा मिलेगा। बहुत परेशान किया तूने भोपाल से यहाँ तक मुझे। ओए परेशान मैंने तुझे किया कि तूने मुझे किया? ओ मैं तो 15,000 तेरे से लेकर ही छोड़ूंगा। हाँ देखा आप लोगों ने इसकी दादागिरी को, देखा अब तो मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। भूल जा तेरे भाड़े को, जो करना है वो कर ले। ओए मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। ये क्या हुआ?
हेलो हेलो खबरदार खबरदार, अगर कोई भी ऊपर आया तो मैं दुनिया हिला दूंगा। तेरे को जो करना है कर, पर मेरा भाड़ा दे दे मुझे। अरे हाँ भाड़ा दे दे यार। नहीं नहीं दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं भाड़ा दे दूंगा। एक मिनट, लेकिन सिर्फ 7,000 दूंगा। 15,000 लूंगा। 15,000 भाई साहब मान जाइए ना। पापा जी मान जाइए, पापा जी हमारे लिए मान जाइए। अरे हाँ सतवंत मान जा यार, प्लीज मान जाइए। तो मैं के जी आप सब लोग कह रही हैं तो 12,000 ले लूंगा। 12,000 दे अभी। नहीं मैं तो सिर्फ 7,000 ही दूंगा बस। अरे यार अच्छा एक काम कर, 7,000 रुपया तू दे दे और बाकी 5,000 रुपया सोसाइटी दे देगी। ठीक है ठीक है। एक है वेट लग ले, सोसाइटी किस खुशी में दे देगी 5,000 रुपया। अरे भीड़े क्या बात कर रहे बेटे, सोसाइटी के पास फंड नहीं है ना, मैं दूंगा 5,000 रुपए बस। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, लेखक महाशय क्यों देंगे 5,000 रुपए? आप बिल्कुल नहीं देंगे 5,000। परम आदरणीय पोपटलाल जी, हमें सारी रात यहाँ खड़े रह के ये तमाशा नहीं देखना, हमें सोना है, इसलिए मैं 5,000 रुपए दे दूंगा। ओके बिल्कुल ओके जी। और मैं क्या बाबू जी, गाड़ी खाली करो और मुझे अपने भतीजे की शादी में बठिंडे जाना है। अच्छा तेरे भतीजे की शादी है तो उसमें हम क्या करें? मैं अपने भतीजे की शादी में खुद नहीं जा पाया हूँ, बंबई में था उसके बावजूद भी। और तेरे को बुलाया नहीं होगा उन्होंने क्या? और तू शांत हो जाए यार पोपट, बड़ा अजीबोगरीब पटाखा है, जलने से पहले फट जाता है यार। ओ मैं क्या भाव जी, मेरी गाड़ी खाली करो जी, मुझे जल्दी जाना है। कैसे खाली करे, यहाँ पे कोई मजदूर दिख रहा है आपको? ये भाई ये मजदूर वाली, इधर क्या सबके हाथों में मेहंदी लगी है क्या? चलना सब लोग मिलके सामान निकाल लेंगे। हाँ निकालो निकालो। हाँ चाचा जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं लाता हूँ 5,000, आप लोग गाड़ी खाली कराना शुरू कीजिए। चलो चलो यार चलो। संभल के निकालो निकालो, एक एक करके सब सामान निकालो। हाँ थोड़ी बैग संभालना, बैग संभालना। ए भीड़े चेन बंद कर देना बैग। ए भाई ये पोपट अभी चुपचाप बैग ना, क्या पक 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 कर रहा है? मेरा 20 साल पुराना फ्लावर वास तोड़ दिया टप्पू ने। टप्पू क्या करता है टप्पू? टप्पू बेटा संभल के, अब किसी चीज को हाथ मत लगाना, पीछे हटो सब लोग। सुनो पीछे हटो, वो काट लग जाएगा, पीछे हटो। हाँ टीवी टीवी को एकदम संभाल, एकदम चालू है, वर्किंग कंडीशन में है, अभी तक आता है, ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर आता है उसके अंदर। फेंकता क्यों है सोड़ी? फेंक मत, उसमें मेरी किताबें हैं। तू ये रद्दी भी लेके आया वहाँ भोपाल से? अरे क्या रद्दी क्यों लाएगा, क्या मतलब है? ये भोपाल से ज्यादा पस्ती का पैसा मिलता है ना मुंबई में, 2 रुपया ज्यादा मिलता है, इसलिए लेके आया हूँ। क्या ये पोपट लाल भी एकदम कंजूस है आदमी। ये भाई ये पोपट पूरे भोपाल का सामान लाया है क्या? नहीं नहीं ये तो सिर्फ मेरा ही सामान है, जो इस घर में था वही सब मैं वापस लेके आया हूँ। चल 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 उठा इन्हें उठा। ऐसे भी अरे 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 सोड़ी ओहो संभल के संभल के। मैंने क्या किया? क्या हुआ? अरे चोट लगी, मुझको लगी। मुझ सही आराम से करना भाई। ओहो हो हो सोड़ी कहा था यार, ध्यान से कर, अभी दवाई लगानी पड़ेगी। रोशन भाभी अरे सोड़ी के हाथ से चोट लग गई है। हाँ रोशन दवाई लगाइए। हाँ रोशन जल्दी आओ। ये उतर बाबा उतर।
पोपट और खाली दवाई लगाना लेना मत। पोपट लाल सॉरी सॉरी, अभी इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो आप लोगों को हेल्प ही कर रहा हूँ ना कब से। गलती तो हमारी है भाई कि हम तेरे दोस्त हैं और आधी रात को ये सब सामान उतार रहे हैं। थैंक यू लेखक महाशय, थैंक यू वेरी मच। आधी रात को एक शिक्षक को मजदूर बना दिया। ए पोपट चलो अब तुम ही नीचे आ जा। हाँ उतरता हूँ चाचा जी, एकदम अच्छा सजेशन दिया, अभी उतरता हूँ। हेलो टप्पू के पापा। हाँ सो रहे हैं? दया शादी के बाद पहली बार चैन की नींद सो रहा था, लेकिन तुझसे देखा नहीं गया। नहीं बोल फोन क्यों किया? अरे हाँ हाँ, वो सोसाइटी के सभी लोग कंपाउंड में जमा हो गए हैं। क्यों फिर से चोर बोल रहा है सोसाइटी में? अरे नहीं नहीं, पत्रकार पोपटलाल आए हैं। सब लोग उनका सामान टेम्पो में से नीचे उतार रहे हैं। आपको पता है वो पत्रकार पोपटलाल तो बहुत जबरन निकला। वो टेम्पो वाले को भाड़े का 12,000 देने का था तो उन्होंने सिर्फ 7,000 रुपए ही दिए, बाकी के 5,000 मेहता साहब ने अपनी जेब में से दिए। तो अभी आ जाओ। अभी सूरत से उधर आऊँ मुंबई? नहीं आ सकते हो दया? ठीक है तो आप सो जाइए बस खुश। चलिए फोन रखती हूँ। रखना भाई रखती है तो। रोशन ये तो बहुत ज्यादा लग गया, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं नहीं रोशन, अना ज्यादा नहीं लग गया मैनू, देखो तो ये पुत्र है कि कितना दूं। ओए पापा मर्द को दर्द नहीं होता? ओए मर्द को दर्द नहीं होता पर जलन तो होती है ना। ओए बाकी रोशन मैं अभी दवाई लगा देती हूँ, कहीं नहीं गया बस ठीक है जैसे। चंगा जी पोपट लाल जी आपका सामान उतर गया, भाड़ा दे दो जी। हाँ हाँ दे रहा हूँ, ये ले 2,000, ये दूसरा 2 और ये 2,600। और मैं क्या जी 7 बनते हैं। हाँ हाँ दे रहा हूँ, खा जाऊंगा क्या 1,000, ये ले 7,000 पूरे हो गए। और भाऊजी? हाँ 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 भैया हाँ, ये लो 5,000। अच्छा जी सॉरी साहब चलते हैं जी, फिर मिलेंगे जी। ओ चंगा सतवंत सिंह सत श्री अकाल, ओ पटिंडे मोशो जा। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी भाभी जी नमस्ते। अरे अब भाई साहब आए हो तो फिर सुबह का खाना खाकर ही जाइए ना। दया भाभी। दया करो भाभी जी। नहीं जी भाभी जी मेहरबानी जी, सबकी बड़ी मेहरबानी जी। चंगा जी चलते हैं जी। चलो चलो आ जाओ। पोपटलाल यहाँ मिला तो मिला, ऊपर नहीं मिलना। ये तू निकल जल्दी यहाँ से गोकुलधाम सोसाइटी से, ये सारे लोग हैं ना इसलिए तू आज बच गया, और मैं बच्चे छोड़ता नहीं सुना तूने? भाई पोपटलाल अपना वजन देख के गुस्सा किया करना भाई। देख भाई बहुत रात खराब हो गई है, अभी हमें भी सोने दे और तू भी सोदा, चलो जाओ चलो 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 भाई। क्या क्या चलो क्या ये सब सामान पड़ा है उसको ऊपर कौन चढ़ाएगा? अरे इतना भारी सामान। अरे अरे यार सामान उतारे भी हम और चढ़ाए भी हम। अरे आप लोग एक काम कीजिए, मैं ऊपर जाके दरवाजा खोलता हूँ, आप ये सामान चढ़ाने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। हाँ यार खोल मदद कर दो। अब क्या हुआ? अरे चाबी। हाँ एक और मुसीबत। ए भाई पोपटलाल तू आदमी है या आइटम है भाई? भोपाल से चला था जब चाबी लेके चला था कि नहीं, वहां भूल तो नहीं गया तू? अरे हाँ वहां से निकलते वक्त मैं अपने नौकर को डांट रहा था, उसी चक्कर में लगता है यहाँ की चाबी मैं भूल गया। क्या? पोपटलाल
ए भगवान, आज पता नहीं किसका मुंह देखा था। अरे तो अपना दिमाग शांत रखना चाहिए ना। लेकिन अब क्या करें? अब क्या, अब चल मेरे घर आके सो जा। चल जा भी, जा। अरे लेकिन ये सामान पूरी रात भर यहीं पड़ा रहेगा क्या? तो क्या सामान को भी घर पे लेके चलो? एक नंबर का डिब्बा है। डिब्बा डिब्बा? अरे हाँ, मेरे पास एक डुप्लीकेट चाबी है। ओह थैंक गॉड। लेकिन उस घर के ड्रॉअर में है। अरे ये तो धक्के पे धक्का दे रहा है। परेशान करके रख दिया यार इसने। ओ मैं क्या कहता हूँ, इसका दरवाजा तोड़ देते हैं, ड्रॉअर खोलते हैं, चाबी निकालते हैं, बात खत्म। अंकल, आपके बालकनी का दरवाजा खुला है, सिर्फ बाहर से कड़ी लगाइए, वहां से अंदर जाके चाबी ले लो। अच्छा, लेकिन तुझे कैसे पता चला कि दरवाजा खुला हुआ है? एक बार बॉल आपके बालकनी में चला गया था, तब सोसाइटी में कलर काम चालू था, बड़ी सी सीढ़ी थी, मैं सीढ़ी चढ़ के आपके बालकनी में गया था बॉल लेने, तभी मैंने देखा कि आपके बालकनी का दरवाजा खुला है, तो मैंने बाहर से कड़ी लगा दी। वेरी गुड टप्पू, क्या बात है। वेरी गुड। और शाबाश टप्पू पुत्र। ओ मैं क्या कहता हूँ, मैं सीढ़ी लेके आता हूँ और तू उसमें चढ़ के बालकनी में चढ़ जा। हैं? हाँ हाँ, फर्स्ट क्लास आइडिया है, तू ले आ सीढ़ी, ले आ जल्दी जल्दी। मैं हूँ सीढ़ी लेके आया। आहिस्ता आहिस्ता, सीढ़ी है ना, सीढ़ी लेके आएगा। मम्मी मुझे नीचे जाना है। नहीं रे नहीं, अभी बहुत रात हो गई, चल अभी सो जा। मम्मी टप्पू भी नीचे है। भले टप्पू नीचे है, पर तू सो जा। मम्मी प्लीज। नहीं नहीं चल, मैं तेरे को कहानी सुनाती हूँ, चल हाँ सो जा, चल मारो दिख रहा। हे भगवान, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु तेरा प्लान चल रहे सारे। वो सोड़ी और सीढ़ी दोनों आ गए। आजा चाचा जी, इससे छोटी मिली नहीं। बापूजी जरा चांद रही है। अरे संभाल के पोपट भाई, लगना चाहिए आपको। सब लोग खड़े हैं यहाँ पर, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे भाई ये संभाल के चढ़ना है। पोपट भाई सचमुच के पोपट होते ना, तो फुर करके उड़ के बालकनी में चले जाते। दया भाभी। ओ दया भाभी जी, अगर ये पोपट उड़ता होता ना तो ये यहाँ घर में नहीं रहता, ये पेड़ में घोंसला बना के रहता। पोपट भाई संभालिए, कुछ संभालिए जरा। दूसरी दूसरी भी उतार। ये भाई ए, चप्पल फेंकने में तू कहीं गिर मत जाना। पहुंच गया।
मैं अभी अंदर जाके चाबी लेके आता हूँ। अभी चाबी लेके आता। मेहता साहब देखा ना आपने, इसके आते ही इतना हंगामा हुआ है, पता नहीं आगे और क्या होने वाला। अच्छा चाचा जी, आप और सब बच्चे और अब आप लोग घर जाओ ना प्लीज। अरे हाँ, सुनो सुनो, अंदर चाबी नहीं है। हाँ, और मुझे अभी याद आया कि वो ड्रॉवर ये वाला नहीं था। भोपाल में जो घर है ना, उसके ड्रॉवर में मैंने इस घर की चाबी रखी थी। ये भाई पोपटलाल, तू खुद भोपाल में क्यों नहीं रह गया यार, परेशान कर दिया। ये तू नीचे आ, अभी नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए अब। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं जैसे तैसे एक बार ऊपर चढ़ तो गया लटक के, लेकिन अब वापस उतरते समय मुझे लटकना पड़ेगा, वो मुझसे नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करें? हम लोग एक काम करते हैं, सुबह चाबी वाले को बुलाएंगे, वो ये ताला खोल देगा और फिर ये जो सारा सामान पड़ा है ना, उसे हम ऊपर चढ़ा देंगे। तो ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं। चलो गुड नाइट। क्या क्या गुड नाइट? तो ये जो सारा सामान मेरा नीचे पड़ा है, उस पर नजर कौन रखेगा? तो क्या इस उम्र में मैं तेरे सामान की रखवाली करूं? बापू जी शांत रहिए। अरे भाई तुम्हारा सामान है तो तुम ही नजर रखोगे ना। हाँ। अरे भीड़े समझने की कोशिश करो ना भाई, मैं इतना थका हारा आया हूँ सफर से। देखा ना वो सतवन ने कितना परेशान किया था मुझे। भाई मुझे बहुत नींद आ रही है। तो आप लोग जरा 4 घंटे के लिए मेरे सामान का ध्यान रखो ना। ये पोपटलाल, हाँ उसमें क्या, सामान का ध्यान रखो। डिब्बा डिब्बा, अभी हम लोग सामान का ध्यान रखे। हम लोग कैसे ध्यान रखे? पोपटलाल, तुम्हारे सामान को भीड़े वॉच करेगा, समझा? हाँ, ये क्या? बस खुश। मैं क्यों वॉच करूंगा? क्या जी बेटा, तुम सोसाइटी का सेक्रेटरी हो। अबो हाँ तो? अरे ये सेक्रेटरी हूँ, सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ मैं। तो फिर ये जॉब भी कर लो ना। अरे क्या कर लो ये भी जॉब? ये हंस क्या रहे हो भाई? क्या के एक जॉब और कर लो मतलब क्या है? और पोपटलाल सबका दोस्त है, तो सबका फर्ज बनता है कि यहाँ पे रुके और उसके सामान पर नजर रखे। हाँ ये एकदम सच बात बोली भिड़े ने। हाँ, आप सबको तो पता ही है ना, सोसाइटी में अभी 2-3 बार चोरी भी तो हो चुकी है। हाँ। क्या चोरी? हाँ। अरे अब तो समझने की कोशिश करो, मेरा इतना सारा कीमती सामान नीचे पड़ा है, चोर आके सारा सामान ले जाएगा तो। हाँ ये बात तो सच है ना। कैसे दोस्त हो तुम लोग। चलो ठीक है भाई, जहाँ आधी रात बिगड़ी वहाँ पूरी रात बिगाड़ लेते हैं। हाँ। इतनी मदद की है इस आदमी की, तो सामान भी देख लेते हैं। एक्चुअली चाचा जी अभी आप लोग तो मेरे ख्याल से घर जाओ, हम हैं यहाँ पे सामान देखने के लिए, ठीक है? हाँ चाचा जी आप लोग जाइए जाइए। मच्छर है, अंदर भी नहीं सो सकता, अंदर लाइट नहीं है, यहाँ मच्छर है। अरे ये लोग तो सो रहे हैं। ए सोड़ी, ओ लेखक महाशय, भिड़े, अय्यर, तुम लोग सब लोग सो क्या रहे हो? चोर आके सारा सामान उठा के लेके जाएगा, तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अरे नहीं भाई, सो नहीं रहते, वो जरा सी आंख लग गई। अरे तुम्हारी आंख लगने में मेरी वाट लग जाएगी ना, जरा ठीक से सामान का ख्याल रखो। अरे पोपटलाल कमाल का आदमी है यार तू, एक तो हम अपनी रात बिगाड़ के यहाँ तेरे सामान की रखवाली कर रहे हैं और ऊपर से तू हमको ही सुना रहा है। अरे अगर मेहरबानी करनी ही है तो पूरी करो ना, आधी क्यों कर रहे हो? एक काम कर, ऊपर से तू रखवाली कर, हम लोग जाते हैं। हाँ हाँ भिड़े जाओ जाओ, मेरा भी दिन आएगा और उस दिन ना मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे पोपट क्या है यार, चुप कर। भिड़े तेरे को सोना है तो सो जा, हम लोग रखवाली कर लेंगे। पोपट लाल तुम जाकर सो जाओ, हम लोग भी सो जाते हैं। है? मतलब तुम्हारे सामान का ख्याल रखते हैं, ठीक है? हाँ ठीक से ध्यान रखना और एक दूसरे को सोने मत देना। चलो मैं सो जाता हूँ। Oh
अरे चाचा जी सोए कहाँ थे जो उठ गए? क्यों नींद नहीं आई? अरे इधर इनके खर्राटों का कंपटीशन चल रहा था। और वो कहाँ गया भिंडी मास्टर? रात को घर पे भाग गया क्या? नहीं नहीं यही था यही था। अरे यही हूँ चाचा जी, यही हूँ मैं। आप करो कुल्ले करो आप। ये खबरदार जो कुल्ले के बारे में कुछ कहा तो। सोजा भाई सोजा ना। ए भाई मेरा न्यूज़पेपर इधर ही देके जाना। थैंक यू यार। चलो बेटा जल्दी। लेकिन अभी कल रात इतना सब परेशानी हुई है ना। चलो 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 उठो सब लोग। चलो चलो यार भाई चलो। अरे ये तो इनका चश्मा है, ये कहाँ गए? उठा। मारो रोशन कहाँ गया? अरे भाई लोग बिस्तर के ऊपर सोते हैं, सोडी बिस्तर के नीचे सोया है। देखो इधर। अरे रोशन उठनी कहाँ से? अरे क्या सुबह को? गुड मॉर्निंग तारक। अरे बैड मॉर्निंग बोलो, बैड मॉर्निंग। क्यों? अरे क्यों क्या यार, पहले तो इतना चिल्लाए सारी रात के गला बैठ गया, फिर सोए जो देखो कोई बिस्तर के नीचे सो रहा है, अलमारी के अंदर सो रहा है, ये मच्छर परेशान हो गए सारी रात। पर तो क्या हुआ, पोपटलाल भाई भी आपके दोस्त ही है ना? इतनी तकलीफ नहीं उठा सकते? ऐसा दोस्त? भोपाल से सारा सामान लिया पर चाबी नहीं लाया, परेशान कितना किया। अरे दोस्त नहीं है, कर्मों का दोष है वो दोष। ये लीजिए गर्मो गर्म फाफड़ा और जलेबी, लीजिए लीजिए। अंजलि भाभी जो चाय लाई है वो दो पहले। ये लीजिए बिस्किट्स भी है। बिस्किट नो कोई। फाफड़ा भी है। सॉरी अंजलि भाभी जी आप भी आएंगे? सॉरी प्राची लीजिए। अरे वाह चाय आ गई। रेडी। चाय तैयार है पर तुम्हारे लिए नहीं है, चाय नीचे है और तुम ऊपर हो, लटके रहो। अरे तो चाय भेजो ना भाई किसी तरह से ऊपर। ए भाई अंकल आपको चाय चाहिए? एक मिनट मैं कुछ करता हूँ। करतो है का? अंकल पकड़ना। आने दे जोर से। अरे बराबर से फेंकना, थोड़ा ऊपर जोर लगा, बॉल को कैसे फेंकता है। आने दे इस बार पकड़ लेता। वाह शेर पुत्र। अंकल अभी खींचो। वाह टप्पू वाह। वाह बेटा। वाह टप्पू वाह बेटा, एकदम इंटेलिजेंट है तू। अरे लेकिन इसके साथ जलेबी फाफड़ा भी तो भेजो भाई। ए ए भाई। भाई जो चाय मिली है वो चुपचाप पी, इसको नाश्ता भी चाहिए। थैंक यू टप्पू थैंक यू। थैंक यू टप्पू, हम सबको थैंक यू नहीं बोलेगा? अरे हाँ सही बात है। ए पोपट पूरी रात जाकर हमने ये तेरे सामान की रखवाली की है। हाँ। और रखवाली भी कैसे की है, हालत देख हमारी, फ्लैट यहाँ पे लेकिन फिर भी कंपाउंड में सो रहे हैं,
और क्या सोना भाई, मच्छरों ने काट काट के जीना आराम कर दिया। अरे मैं दादा मच्छर तो ठीक ही है, यहाँ पर इतने खटमल है कि इन्होंने काट काट कर रात भर परेशान कर दिया। अरे हाँ हाँ, लेकिन अभी चाबी वाले को बुलाओ, नहीं तो आज रात को भी इधर ही सोना पड़ेगा। अरे क्या भाई, पहले चाबी लेके आओ, अभी कौन मिलेगा? और क्या हम लोगों को फ्रेश नहीं होना है क्या? हाँ, फ्रेश तो मुझे भी होना है। टप्पू बेटा एक काम करना, मेरी वो जो काली वाली बैग है ना, उसमें मेरा पाउच है, उसमें ब्रश टूथपेस्ट सारी चीजें हैं, वो देना जरा मुझे। कौन सी, ये वाली? अरे नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो उसके बाजू में है ना वो वाली। अच्छा ये? हाँ ये। मिला पाउच मिला, उसी में है ना। कौन सा ये? अरे अंकल हाँ? ये तो नहीं आपके घर की चाबी? अरे यही तो चाबी है मेरे घर की। अरे अरे पोपट लाल भाई, वेरी गुड टप्पू, वेरी गुड। क्या ये, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। अरे भाई परेशान कर दिया तूने यार इस चाबी के चक्कर में। ओ मेहता साहब, ये चाबी के लिए छोरा और गांव, ओ क्या बात कर रहे हो यार। ओ भाई सोडी, तेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तू बिस्तर रख ऊपर और सो जा। ए पोपटलाल क्या है यार, तेरी चाबी के चक्कर में कितना परेशान किया तूने हम सबको रात में। अरे मेहता साहब, ये तो देखिए कि पोपट भाई खुद भी कितना परेशान है। इसमें पोपट भाई का कोई दोष नहीं है, वो तो बेचारे निर्दोष है। हाँ। अरे टप्पू तू जरा जल्दी आके दरवाजा खोलना। जा। और सुनो ये नीचे ले लो, मैं नीचे आके ही चाय पीता हूँ। माशा, अभी टप्पू ऊपर आ रहा है ना, तो उसके हाथ में भेजना वो। ओ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। दिमाग खराब किया है रात भर से। अरे हेलो, आ गए। आप सब लोगों ने मेरी इतनी मदद की है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं भाई, तुम्हारा धन्यवाद जो इतने सामान के साथ साथ वो चाबी भी लेके आए। ए भाई चलो, अभी चलो निकलते। क्या क्या चलो? तो ये सब सामान ऊपर कौन रखेगा? कौन रखेगा मतलब? अरे ये सब रखेंगे। अरे हम लोग फिर। और देखिए पोपट भाई, आपका घर काफी समय से बंद था ना, तो हम सभी औरतें मिलकर आपका घर साफ कर देंगे, क्यों बहनों? ओके हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल हाँ, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। और पोपट भाई आप नहा धोकर हमारे घर पर आ जाइए, तब तक मैं आपके लिए थेपला, सेव टमाटर का सब्जी, दही और वगैरह भात तैयार रखती हूँ। दया भाभी भी। और श्रीखंड? अरे वो भी मिलेगा। चलो भाई लोग, जहाँ रात भर में इतना किया, वहाँ थोड़ा सा और करो, चढ़ाओ सामान, आओ चलाओ, चलो आओ, चलो 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 चलो, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सॉरी, तिली दे दो, हल्की हल्की चीज पहले दो। उल्टा चश्मा, तारक मेहता।